मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर जीवन बोडियोली जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे की प्रदर्शन पर कुछ कहें और आगे के कमेंट्री का संचालन अपने पास रखें। सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सो मच राजकिशोर जी, आपने हमें दोबारा माइक्रोफोन पर आमंत्रित किया और सबसे महत्वपूर्ण या खास बात यह है कि किसी भी खेल को संचालन करने के लिए या उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए एक पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि इन्होंने इतनी देर से बेहतरीन तरीके से आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे। एक प्रकार का काफी उनके पास पेशेंस है, काफी तजुर्बा है, और सिर्फ पेशेंस और तजुर्बा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इस मैदान में किस तरह के वर्डों का हम यूज करें, इनका भी उनके पास भरपूर भंडार है। क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जिन्हें आप माइक्रोफोन थमा दें तो सिर्फ वो देखते ही रह जाएंगे, मुंह उनका खुलता नहीं है। यानी कि उनके साथ साथ हमारे पास शब्द भंडार भी होना चाहिए, वोकैबुलरी जिनको कहेंगे, शब्द भंडारों का भी जरूरत पड़ता है कि हम किस जगह पर कौन से शब्द का उपयोग करें तो सेंटेंस सही मायने में सही जगह पर फुट बैठेगी। इसलिए किसी भी कोई भी मंच का संचालन या किसी भी फुटबॉल खेल का संचालन करना इतनी आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, और मैं उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इस मैदान के किनारे खेल का आनंद बिल्कुल ही शांत भावना से देख रहे हैं। ज्यादातर हमारे पेविलियन के बाहर मुझे देखने को आ रहा है कि ये पूर्व जो कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे अपने समय में, इन लोगों ने सिर्फ कसी बेड़ा तक का ही नहीं, और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे मैदान के किनारे माँ बहने और चाचा भाई जितने भी हैं जो कि हमारे खिलाड़ी बंधुओं का दो दिन से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें खेल में एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए हमें पानी नाश्ता की जरूरत पड़ती है। ये लोग बेचारे दो दिन से इसी जगह पर आम सबों की सेवा के लिए मौजूद हैं और सुबह से हमारी सेवा करते हैं, और उन तमाम चना बादाम बेचने वालों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि यहाँ आए दर्शकों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, इसी उद्देश्य से वे हमारे इस पेविलियन के किनारे अपना चना बादाम का जो भी स्टॉल है लगाए हुए हैं, और दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों को भी सेवा दे रहे हैं। तमाम इसी तरह से मैं साग सब्जी बेचने वालों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पूरा हमारा कमेटी परिवार से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि लोगों का मनोरंजन के साथ साथ एक
सब्जी साग का भी यहाँ मुहैया कराया जा रहा है। उनके साथ साथ दूर दराज से आए हुए खिलाड़ी दर्शक तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, और हमारे देश में कई गिने चुने खिलाड़ी भी हैं जो मैदान में अपना जलवा दिखा रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमेशा सबसे आगे रहे। इसके उपलक्ष्य में ऑपरेटर महोदय एक गाना बजाइए, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी वाले, धीरे साउंड में। सुनो गौर से दुनिया वाले, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जी हाँ ऑपरेटर, एक गाना हो जाए। आज हर जगह पर विजय पाए हैं, पहाड़ पर्वत समुद्र चाहे हवा हो, हवा में चाहे आकाश में, हर जगह ये विजय होकर रहा है, और हम चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा हो। इसके लिए एक हल्की साउंड में हो जाए, क्योंकि हम दोनों का कमेंट्री सुनते सुनते शायद पेविलियन के बाहर बैठे ऑडियंस लोग हैं जो थक गए होंगे। ये पहला मैच ऐसा है जो कि हार जीत से इनका फैसला किया जाएगा। अभी तक आज की इस ग्रुप का पहला ऐसा मैच, इससे पहले हो चुकी थी, सॉरी ऑपरेटर महोदय, इस तरह से ये